Hello guys, what's up? This is CA Amit Mahajan. I hope that you are doing well and welcome to my study tips series part number 12. तो आज हम थोड़ा रियलिटी के बारे में बात करेंगे और बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा बिकॉज रियलिटी हमेशा चूपती है, बट मेरे हिसाब से हम लोग को अगर ये प्रॉब्लम्स मालूम है ना, ये 2-3 प्रॉब्लम्स, तो उस पर हम लोग ये वीडियो में सोल्यूशन भी देखेंगे और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम्स पे थोड़ी चर्चा बात होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो हमें स्ट्रेट पॉइंट पे जाता हूँ। स्टूडेंट्स आर नॉट फोकसिंग ऑन सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे, मतलब क्या, अगर उनको एक नया सब्जेक्ट लेना है तो इन दैट केस दे आर डायरेक्टली गोइंग ऑन यूट्यूब पे सीधा सर्च कर रहे हैं कि इसका मैराथन, उसका मैराथन, इसका रिविजन लेक्चर, उसका रिविजन लेक्चर। इसकी वजह से ना यू आर अवॉइडिंग योर सेल्फ स्टडी। दोस्त, मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। देख, मेरा से कुछ भी किसी कोई बना रहा है जो वीडियोस बना रहा है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, बिकॉज उनका तो इंटेंशन हमेशा ही अच्छा होता है, राइट। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, मुझे भी मालूम है, मैं भी रिविजन लेक्चर बनाता हूँ, मैंने भी सुपर 50 बनाया, तो सब कुछ बनाया है। माई इंटेंशन वॉज जस्ट टू हेल्प यू, राइट। बट आई हैव गॉट सम मैसेजेस जिसके हिसाब से मुझे समझा कि पीपल आर जस्ट रिलाइंग ऑन दोज सुपर 50, पीपल आर जस्ट रिलाइंग ऑन दोज रिविजन लेक्चर्स, पीपल आर जस्ट रिलाइंग ऑन दोज 8 आवर्स मैराथन लेक्चर। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले आपको मैराथन नहीं देखना है, सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है। और अगर सेल्फ स्टडी होने के बाद अगर आपको लगता है ना कि यार ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप मैराथन या रिविजन पे जा सकते हो। प्लीज डायरेक्टली रिविजन पे मत जाना। इसकी वजह से वो क्या रहा है ना, आप सेल्फ स्टडी के हिसाब से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट ग्रिप इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। चलो मान लिया कि चलो डायरेक्टली आप रिवीजन पे गए। चलो दूसरा ऑल्टरनेटिव पर बात करते हैं। इफ यू गो डायरेक्टली ऑन रिवीजन लेक्चर्स, यू ठीक है, यू वॉच दोज रिवीजन लेक्चर्स, बट आफ्टर वॉचिंग दोज रिवीजन लेक्चर्स यू हैव टू स्टॉप देयर आफ्टर एवरी चैप्टर एंड यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अगर ये आप नहीं कर रहे हो देन इन दैट केस इट इज जस्ट लाइक अ मूवी। आप जस्ट मूवी देख रहे हो, मूवी खत्म होने के बाद आपको 1 घंटा, 10 घंटा, एक दिन याद रहेगा, उसके बाद वापस आप भूलने वाले हो, राइट। वो थोड़ा सा सेल्फ टच होना इंपॉर्टेंट है। दोस्त, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल भी एकदम भी एक टक्के का भी ये सजेशन पे डाउट मत लेना, ये ट्राई करना। दोनों ऑल्टरनेटिव्स आपके पास है। दूसरा बात, पीपल आर वेरी वल्नरेबल राइट नाउ, मतलब जस्ट पीपल आर ऑन सोशल मीडिया एंड जस्ट लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स। मतलब इसने कुछ समरी बनाया है क्या, इसने कुछ ये किया है क्या, उसने कुछ मेमोरी टेक्निक बनाया है क्या। राइट नाउ अगेन द मेन पॉइंट इज, आई विल बॉइल डाउन टू द सेम पॉइंट दैट पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन सेल्फ स्टडी। अभी लोगों को क्या हो रहा है, अभी लोग डिस्ट्रैक्टेड है, अभी उनको ऐसा है ना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये कुछ नया है, ये भी देखना है। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। आप जितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना, इफ यू जस्ट सी द स्क्रीन टाइम ऑफ योर सोशल मीडिया, थोड़ा सा हिम्मत रख के वो स्क्रीन टाइम देखना, मैं बता रहा हूँ 2 से 3 घंटा और मे बी मोर यू आर स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, जिसका जरूरत ही नहीं है। अगर डेली आप 2-3 घंटा जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, उतना ही अपने सेल्फ स्टडी पे डालना ना, आपका एकदम खतरनाक तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि टू मच ऑफ सोशल मीडिया यूजेज या टू मच ऑफ मोबाइल फोन यूज हो रहा है, देन इन दैट केस टाइम डिसाइड करो कि ये टाइम में मैं मोबाइल यूज करूंगा, उसके पहले मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा। इफ आई गेट एनी डाउट इन बिटवीन आई विल राइट डाउन दैट डाउट एंड जैसे मेरा 1 o'clock टू 1:30 जैसे लंच का टाइम होता है, तो तभी मैं मोबाइल देखूंगा। जो डाउट मैंने लिखे है वो वही टाइम पे मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपने बीच में मोबाइल लेके जैसे डाउट आया इमीडिएटली मोबाइल लिया, तो वो डाउट तो सॉल्व होगा ही नहीं, उसके साथ साथ 50 चीज और तुम लोग देख लोगे और तुम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। आई नो ये थोड़ा सा हार्श रियलिटी समझने के लिए और एडमिट करने के लिए, इट इज ओके इवन इफ यू डोंट एडमिट, बट यू आर वेस्टिंग टाइम। इट कैन हिट यू नेगेटिवली, बट खुद को बताना कि लास्ट थोड़े दिन बाकी है दोस्त, हम लोग को 100% देना है। आई एम गोइंग टू गिव माई 100% इन दिस अटेम्प्ट एंड आई एम गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट एनी हाउ। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा आई विल डू इट। आई विल नॉट यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग माई स्टडीज। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस दैट आई विल नॉट यूज माई मोबाइल फोन ड्यूरिंग माई स्टडीज। आई विल यूज मोबाइल फोन ओनली ड्यूरिंग द ब्रेक्स। Please implement this strategy. I'm telling you, you will be able to see the difference within the next 3 to 4 days. Try करके देखना। पहला दिन बहुत difficult जाएगा, second, third day और थोड़ा easy आपको होते जाएगा and 5th day पे you will be comfortable. If you are new to this channel, please don't forget to hit a subscribe button. If you have genuinely liked this video, please don't forget to hit a like button. That's it for today's video. This is CA Amit Mahajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. Bye bye.